ये अभी तक लाइव नहीं आ रहा है। आ गया है सर, एक बार रिफ्रेश कीजिएगा, मुझे तो दिख रहा नहीं, मेरे इस पे नहीं आ रहा है। थोड़ा लाइव की प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। लाइव की प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। ओके, जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। थोड़ा हम 2 मिनट डिले हो गए क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, लेकिन अभी शायद आप मुझे सुन पा रहे हैं, इसलिए मैं मेरी जो बातचीत है अभी शुरू कर रहा हूं। आज जो हमारा विषय है वो मैंने आपके सामने रखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में जो माओवादी हमला हुआ था और इस हमले में हमारे 22 जवान शहीद हो गए थे, तो ये जो माओवाद काफी सालों से चल रहा है, इसमें हमारी जो कैजुअलिटीज है काफी सारी हो रही है, काफी सारे सोल्जर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस के, सीएपीएफ के, पुलिस के इसमें कैजुअलिटीज हो रहे हैं, तो ये इतने साल से अगर ये चल रहा है तो इस लड़ाई को हम जीत क्यों नहीं पा रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये जो माओवादी हमले होते हैं, अगर उससे आपने लड़ाई करनी है तो लड़ाई केवल मिलिट्री लेवल के ऊपर नहीं होगी, बल्कि जो अलग अलग 5 तरीके हैं जिसके ऊपर आपको ये लड़ाई
करनी पड़ेगी। एक तो ये जो लड़ाई है आपको पॉलिटिकल लेवल यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लेवल के ऊपर करनी पड़ेगी। दूसरी जो लेवल है वो सोशियो इकोनॉमिक यानी कि जो इकोनॉमिक कुछ प्रॉब्लम्स होती है आदिवासियों की और वहाँ की जो आम जनता है उसके लेवल के ऊपर करनी पड़ेगी, यानी कि डेवलपमेंट जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर होनी चाहिए। तीसरी जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव, इस इलाके में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम बहुत है, वो रोड के होंगे, रेल के होंगे, राशन है, डॉक्टर्स है, बहुत सारे है, वो इस लेवल के ऊपर भी आपको काम ठीक करना पड़ेगा, यानी कि जो आपकी गवर्नेंस है वो आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। चौथी जो है वो है साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक लेवल के ऊपर जो लोग इसमें अटके हुए हैं, जो लोग उसमें फंसे हुए हैं, उनका दिल आपको जीतना पड़ेगा कि ये जो लेफ्ट विंग दहशतवाद है, ये जो कम्युनिस्टों का जो दहशतवाद है, इससे आदिवासियों का ही नुकसान हो रहा है, उसी एरिया का ही नुकसान हो रहा है, जो मारे जा रहे हैं या तो वो आदिवासी पुलिस है या आदिवासी नक्सल है। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर आज मैं बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं ज्यादा मेरी फोकस जो है वो मिलिट्री लेवल के ऊपर लड़ाई करने के ऊपर हमने क्या करना चाहिए इसके ऊपर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। अगर आपको ये लड़ाई जीतनी है तो अगर आप सभी लेवल पे नहीं लड़ते हैं तो ये पूरी तरह से आप जीत नहीं पाएंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं पहले कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स जिसका हमारी देश की सुरक्षा के ऊपर असर हो रहा है। आज ही पेपर में न्यूज आई हुई है कि 11th राउंड ऑफ टॉक चाइना और भारत के बीच में हुआ, जो ले में जहां पे हम चाइनीज के सामने बैठे हुए हैं वहां पे हुआ, और चाइना ने जो बाकी के दो इलाके है गोगरा का है डेप्सांग का है जहां से वो वापस नहीं गए हैं वहां से वापस जाने के लिए मना किया हुआ है। यानी कि चाइना अभी आंख दिखा रहा है, वो बोलता है कि हम यहां से वापस नहीं जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? कारण सीधा और साफ है, देश चाइना के खिलाफ जो एकत्रित तरीके से लड़ना चाहिए वो नहीं लड़ रहा है। अगर आज आप देखेंगे तो देश में कहीं इलेक्शंस हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग तरीके से बात करती है, कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि चाइना ये जो आंख दिखा रहा है इसके खिलाफ सभी ने इकट्ठा होके एक पार्लियामेंट कन्वीन करना चाहिए और चाइना को सबक सिखाना चाहिए। ये बात किसी के दिल के अंदर भी नहीं है, केवल मेरे जैसे कुछ लोग हैं इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और ये चाइना को पता है, मैं एक ही बात चाइना के बारे में कहूंगा उसके बाद में आगे जाऊंगा। अभी एक हमारा ही देश का थिंक टैंक है हमारे देश का, उन्होंने चाइना का जो एम्बेसडर है उनकी इंटरव्यू ली और उस इंटरव्यू के अंदर इस चाइनीज एम्बेसडर ने बोला कि हमने पेंगोंग सो लेक में जैसे हम वापस गए हैं इस प्रकार से इंडियंस ने बाकी जगह से वापस जाना चाहिए, यानी कि चाइनीज वो ब्लेम हमारे देश पर डाल रहे थे। तो अभी बात ये उठती है कि हमारे थिंक टैंक हमारे देश में ये चाइनीज को क्यों बुलाते हैं और जो वो बोलते हैं उससे पब्लिसिटी क्यों देते हैं? क्या आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को किसी चाइनीज थिंक टैंक ने वो क्या कहते हैं इसके ऊपर बुलाया है क्या? यानी कि ये जो लड़ाई चल रही है वो केवल एक तरफ से चल रही है। हम चाइना के जो उल्टे बातचीत करने वाले लोग हैं उसकी इंटरव्यू हमारे मीडिया में हमारे थिंक टैंक पब्लिश करते हैं, लेकिन चाइना का कोई भी थिंक टैंक चाइना का कोई भी न्यूज़पेपर हम क्या बोल रहे हैं इंडिया का स्टैंड क्या है इसके बारे में कभी बातचीत नहीं करेगा। तो ये जो चाइनीज एजेंट आज जो हमारे सोसाइटी में भरे हुए है प्रिंट में हो या सोशल में हो, तो इससे नुकसान ये होता है कि चाइना हमारी तरफ देख के हंसता है कि ये देश कभी इकट्ठा नहीं हो पाता। तो ये जो चाइनीज के साथ जो निगोशिएशंस है ये चलती रहेगी, कभी इसके सिवाय बात कर इसके बारे में बात हम नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं।
एक बार मैं फिर से हमारे जो सोल्जर्स है उनको सल्यूट करता हूँ। ये जो 22 जिनका अभी मृत्यु हो गया था और उसके पहले, क्योंकि यही लोग है कि जो बाकी कुछ भी हो लेकिन देश को सुरक्षित रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। आज की ही कश्मीर की बात अगर आपने पेपर में पढ़ी होगी तो लास्ट 48 आवर्स में 10 दहशतवादियों को भारतीय सेना ने कश्मीर वैली में मारा है। रिपीट करता हूं, 10 दहशतवादियों को भारतीय सेना ने कश्मीर के अंदर मारा हुआ है। ये बात में कहां चली गई तो ये कहीं पेज 8 पे अगर आप देखेंगे तो शायद नजर आएगी। इसमें हमारे 4 सोल्जर्स भी जख्मी हुए हैं। इन सोल्जर की कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। क्या नाम है उनके, किस पलटन को है, उन्होंने किस प्रकार से शुरुआत की हुई है, ये पेज नंबर 1 पे बात में हमारी आती नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि पिछले 2 दिन में 10 दहशतवादियों को सेना ने मार के गिराया है। तो जब हम चाइना के बारे में बात करते हैं, चाइना के खिलाफ जो लड़ाई है ये अलग अलग स्तर के ऊपर है, मीडिया के स्तर के ऊपर है, गवर्नमेंट के स्तर के ऊपर है, थिंक टैंक स्तर के ऊपर है। सेना तो अपना काम जो है वो करेगी ही, लेकिन जब आप चाइना के हाइब्रिड वॉर का मुकाबला सब स्तरों के ऊपर नहीं करते हैं, अपनी देश की ताकत को इकट्ठा करते हुए, तो ये लड़ाई जीतने में हमें समय लगेगा। 2009 के अंदर तब गृह मंत्री थे श्री चिदंबरम, उन्होंने बोला था कि 2-3 साल में वो जो माओवाद है या कम्युनिस्टों का जो ये जो दहशतवाद है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, इनका जो दहशतवाद है इसे हम खत्म कर देंगे। 2009 में बात हो गई थी, ये नहीं हुआ। 2014 या 15 के अंदर गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, इन्होंने यही बात की थी कि हम इसकी टांग तोड़ देंगे, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ है। और अभी जो गृह मंत्री है वो यही बोल रहे हैं कि हम इसकी टांग तोड़ेंगे। बिल्कुल टांग तो तोड़नी ही चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में आपको समझना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको जो आज का मिलिट्री एंगल है इसके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। ये कभी भी चाइना और पाकिस्तान माओवादियों का जो दहशतवाद है इसे कभी भी खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि वो देश की आर्थिक प्रगति को, भारत की आर्थिक प्रगति को रोकना चाहते हैं। इसमें ये जो लास्ट वाला जो सेंटेंस है ये आप जरूर बोलिए, सरकारें आएगी सरकारें जाएगी, लेकिन चाइना और पाकिस्तान हमारे देश के अंदर अलग अलग प्रकार से गड़बड़ करता रहेगा। देश को इकट्ठा होके और अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ताकत का इस्तेमाल करके इस लड़ाई को रोकना पड़ेगा। परसों ही एक खबर आई थी, पता नहीं कितने लोगों ने उसे नोट किया है कि चाइना अभी जो भूटान है, भूटान के साथ आपको पता है कि इस इलाके में डोकलाम में कुछ साल पहले गड़बड़ हो गई थी और इंडियन आर्मी ने फिर वहां पे चाइनीज को ढकेल दिया था। तो अभी चाइना भूटान के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट के ऊपर फिर एक बार बातचीत कर रहा है, वो डिवाइड और रूल पॉलिसी चाहते हैं। और आपको पता है कि जो हमारे और भूटान के बीच में करार हुआ है इसके मुताबिक अगर भूटान के ऊपर चाइना हमला करता है तो उनकी रक्षा करना ये हमारी फौज का काम है। तो अभी चाइना और पाकिस्तान हमारे देश के अंदर अंतर्गत सुरक्षा के जो अलग अलग आह्वान है इसका इस्तेमाल करके हमारी देश की प्रगति को रोकना चाहता है। एक तो है दहशतवाद जो बाकी जगह पे फैलाना चाहता है, दूसरा ईशान्य भारत में जो बांग्लादेशी घुसखोरी हो रही है इसके बारे में, फिर माओवादी और ये माओवादी दहशतवादी है वो देश को किस प्रकार से ये कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर का जो ये जो छुपा लड़ाई प्रॉक्सी वॉर जो पाकिस्तान चला रहा है, ये सब चीजें चलती रहेगी और इसे हमें रोज के रोज फेस करना पड़ेगा। और अभी
ये कम नहीं था, तो अचानक कल एक खबर आ गई कि ये है हमारे लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड, लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड। परसों की बात है या 3 दिन पहले की बात है, अमेरिका का एक युद्ध नौका ये हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसके अंदर से गई। तो इसमें कुछ लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये अलाउड है कि नहीं। ये आपको पता होना चाहिए कि समुद्र किनारे से 200 नॉटिकल माइल का जो समुद्र होता है इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बोला जाता है, जिसके अंदर जो इकोनॉमिक चीजें है वो हमारी है, लेकिन बाकी देशों के जो जहाज है वहां से इनोसेंट पैसेज, यानी कि अगर वो वहां से ट्रैवल करना चाहते हैं, वो ट्रैवल करने की उनकी उनको परमिशन है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज के मुताबिक। तो इसलिए कोई ऐसी चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या हो गया, क्योंकि समुन्दर जो है ये एक पूरी दुनिया का है, और एग्जैक्टली यही इसके खिलाफ चाइना कार्रवाई कर रहा है साउथ चाइना समुद्र के अंदर, जहां पे वो बोलता है कि ये जो यहाँ से चाइना की बॉर्डर शुरू होती है, वो बोलता है ये पूरा जो समुद्र है ये पूरा हमारा है। तो ये जो अमेरिकन एक्शन थी, इसकी डिटेल विश्लेषण हम बाद में करेंगे कि अमेरिका ने ये करने की जरूरत क्या थी, वो तो चुपचाप से इन्होंने ये कार्रवाई चाइना के खिलाफ क्यों नहीं की। शायद मेरा खुद का अंदाजा है कि साउथ चाइना समुद्र के अंदर आगे आने वाले देशों में केवल अमेरिका ही नहीं आएगा, बल्कि यूरोप के देश भी आएंगे और जो क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन जो है वो भी आएंगे। अभी अगर हम बात करते हैं माओज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने की, तो होना क्या चाहिए, जो हमारी गवर्नमेंट है, पुलिस है, ये सभी ने जो अति दुर्गम एरिया है वहां पे पहुंचना चाहिए। खास तो जमीन के ऊपर जो सरकार काम करती है, जमीन के ऊपर कौन काम करता है, जमीन के ऊपर एक ग्राम सेवक होता है, शिक्षक होता है, सरकारी अधिकारी होते हैं, तलाठी होते हैं, ये जो सब है इन्होंने अपना जो जमीन के ऊपर काम वो अच्छा करना चाहिए। और जो रोटी कपड़ा मकान की जो लड़ाई है ये जमीन के ऊपर पहुंचनी चाहिए, और बिजली सड़क स्कूल जो है ये जमीन के ऊपर आदिवासियों तक पहुंचनी चाहिए। इसके सिवाय जो मेडिकल फैसिलिटीज है ये उच्च दर्जे की होनी चाहिए। काफी बार बोला जाता है कि इसमें जो जो टैबलेट्स है, जो मेडिसिन है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। जो फॉरेस्ट के राइट्स है इसमें काफी सारे आदिवासियों के जो दावे है वो मंजूर नहीं हुए हैं, वो होनी चाहिए। पुलिस का सबसे इम्पोर्टेंट काम है सामान्य आदिवासी की रक्षा करना। तो और इसके सिवाय जो अर्बन नक्सल्स है इनके खिलाफ कार्रवाई ये करनी ही चाहिए। जब तक सवाल है माओवाद और फॉरेस्ट, इनका बहुत ही घना संबंध है। जहां जहां घने फॉरेस्ट है वहां उस जंगलों में ये माओवादियों ने देश की प्रगति रोकने के लिए उल्टे काम शुरू कर दिए हैं। और देखेंगे जहां जहां फॉरेस्ट है उस इलाके में आदिवासी या उन्हें वनवासी बोला जाता है वो रहते हैं, तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा जो है वहां पे फॉरेस्ट जो है कहीं पे 22% है, कहीं पे 13% है, कहीं पे 75% है। अगर आप एरिया देखेंगे छत्तीसगढ़ का तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 75% ये फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट के अंदर जो लोग रहते हैं ये 28% है। तो जब तक आप फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाते, जब तक आप ट्राइबल्स या आदिवासियों का दिल नहीं जीतते, तब तक आपको ये लड़ाई जीतना ये काफी डिफिकल्ट है। लेकिन माओवादियों का नाम लेते हुए काफी सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स वहां काम करने ही नहीं चाहते, तो उनको कंपल्सरीली इस एरिया में अंदर भेजना चाहिए। आप यहाँ पे जो पॉइंट दिए हुए ये पढ़ो, आज तकरीबन हमारी जो 85% जो पॉपुलेशन है वो जो हमारा
मध्य भारत है उसके जो जंगल है, इस जंगल में ये रहते हैं, यानी कि 85% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन स्टेज इनसाइड द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। तकरीबन इनकी लोकसंख्या 8 से 9 करोड़ के आसपास है। तो ये अभी माओवादियों का अड्डा है जहां पे उनके ट्रेनिंग कैंप है। ये बिल्कुल नहीं है कि ये 8 करोड़ या 9 करोड़ आदिवासी उनके साथ है। गन के कारण ये डर रहता है जिससे वो उनका माओवादियों का कहना सुनते हैं। तो इसलिए जंगल में जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माओवादियों को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए कोशिश चाइना बहुत साल से कर रहा है। नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, हमारे देश में वो पॉलिटिकल लोगों की मदद लेते हुए इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं तो ये जो अलग अलग लोग हैं इनके साथ उनको अलग अलग तरीके से मदद की जाती है, यानी कि ईशान्य भारत के जो विद्रोही गट है वो काफी बार माओवादियों को मदद करते हैं। LTTE यानी कि जो तमिल इलम वाला प्रभाकरण था, जो एक्सप्लोजिव्स का जो शिक्षण दिया था ये LTTE ने दिया था। और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो ईस्ट एशिया में है इनके साथ भी ये संबंध जोड़ने का कोशिश करते हैं। आज जो हमारी लड़कियां है इस इलाके में उनका हालत बहुत खराब है। माना जाता है कि माओवादियों की जो शस्त्रधारियों की संख्या है इसमें 20% या 25% ये लड़कियां है और उनको बहुत ही मिसयूज किया जाता है। इनके ऊपर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि खुद को दुख होता है कि ये जो यंग लड़कियां है ये माओवादियों के चक्रव्यूह में फंस गई है। इनको किसी ना किसी कारण से यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। माओवादी इसके ऊपर भी फायर करते हैं, इसी को भी मारते हैं। उन्होंने जन मिलिशिया शुरू किया है, उन्होंने बाल मिलिशिया शुरू किया है। मैं अगर आप ये देखेंगे तो ये सभी जो स्लाइड्स है इस स्लाइड के ऊपर, हर एक स्लाइड के ऊपर बातचीत करना चाहेंगे तो आपको 5 मिनट के लिए बोलना पड़ेगा, लेकिन समय के कारण मैं आपको ये दिखाता हूँ, आप इसे पढ़िए। इम्पोर्टेंट यह है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको IDs कैसे लगाना है, बॉम्ब कैसे फेंकना है, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कैसे कार्रवाई करनी है, इसकी बातें सिखाते हैं। तो और 2004 के अंदर इनका सबसे बड़ा ये हुआ था। और जो राज्य जहाँ पे ये ज्यादा फैले हुए हैं वो रेड में है। तो ये जो रेड वाले जो राज्य है, खास तो मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए ये जो राज्य है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे ज्यादा फैला हुआ है आप देखिए। और जो उत्तरांचल हरियाणा वगैरह है वहां पे कम, महाराष्ट्र वगैरह में और कम वगैरह। तो ये जो अफेक्टेड स्टेट्स है जहाँ पे ये CPI माओवादियों का दहशतवाद फैला हुआ है, इसे तोड़ने के लिए एक साथ सभी स्टेट्स में कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल जो पार्टीज है बिहार के अंदर हो, झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, वो कार्रवाई के लिए तैयार नहीं थी। इन सब पॉलिटिकल पार्टीज को बोलना पड़ेगा कि अगर इकट्ठा कार्रवाई ये नहीं होती तो ये जो काम है ये अलग अलग बहुत देर के लिए चलता रहेगा। जब तक हमारी जुडिशियरी है, हमारी जुडिशियरी की तुलना अगर हम करते हैं माओवादियों के न्याय व्यवस्था के साथ, तो आपको नजर आएगा 2-3 दिन पहले ही खबर आई थी कि आज 4 करोड़ केसेस हमारे जुडिशियरी के अलग अलग कोर्टों में पेंडिंग है। अगर मुझे फिगर्स ठीक याद आ रहा है तो 70,000 केसेस आज सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, शायद 70-80,000 केसेस आज हाई कोर्ट में पेंडिंग। तो जो हमारे जो जुडिशियरी है वो जो न्याय देना चाहिए वो न्याय देते ही नहीं है। लेकिन उसकी तुलना अगर आप करें जन अदालत से, तो जुडिशियरी को यह पता होना चाहिए कि जो जन अदालत यानी कि माओवादियों की जो जुडिशियल ब्रांच है वो भी न्याय देते हैं। अगर किसी दो आदिवासियों के बीच में झगड़ा है और वो न्याय चाहते हैं तो ये जन अदालत के पास जाते हैं, वहां पे सबके सामने उनकी हियरिंग होती है और 2-3 घंटे के अंदर न्याय दिया जाता है। न्याय वो सच है या गलत है ये बात अलग है,
लेकिन बात यह है कि उसके बाद उसके ऊपर अमल बजावनी होती है। 2-3 घंटे में न्याय देना जन अदालत में माओवादियों के, और 20-30 साल के अंदर न्याय देना हमारे जुडिशियरी ने, तो देखिए ये जो आदिवासी है वो कहाँ जाएंगे। आज भी माना जाता है कि बहुत सारे आदिवासी आपस में जो झगड़े है उसे रिजॉल्व करने के लिए माओवादियों के पास जाते हैं। एग्जैक्ट ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये तो कलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो उनका न्याय पद्धति काफी पॉपुलर है। मैं माओवादियों के ट्रेनिंग के बारे में नहीं बताऊंगा कि उनके जो हथियार है ये पुलिस और जो अर्धसैनिक दलों से जो मारे गए हैं उनसे लुटे हुए हैं। जैसे ये 22 लोग जो मारे गए हैं सभी के हथियार गायब हो गए, वो अभी माओवादियों के पास पहुंचे हुए हैं, उनके एम्युनिशन चली गई, उनका जो सामान था रेडियो सेट वगैरह ये भी चला गया। और ये एक धोखेदायक चीज है क्योंकि माओवादियों के पास जब आपका रेडियो सेट जाता है तो वो आपकी बातचीत सुन सकते हैं। तो मुझे भरोसा है कि अभी इस सेट को न्यूट्रलाइज किया जाएगा और उसे बंद करवाया जाएगा। माओवादियों का जो अर्थ कारण है वो माओवादी पैसों के ऊपर चलते हैं, तो उनको एक्सटॉर्शन करना ये बहुत ही जरूरी है। तो माओवादियों का अगर हम हिंसाचार की तरफ बात करेंगे कि 1980 से लेकर 2014 तक जो हिंसाचार हो रहा था और 2014 से लेकर 2020 तक तुलना करेंगे तो अभी पिछले 4-5 साल में जो माओवादियों का जो हिंसाचार था इसमें ऑलमोस्ट 50% कमी आ गई है। यानी कि माओवादियों को के खिलाफ कार्रवाई तो हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है ये कोई नहीं बोलेगा, हिंसाचार भी कम हुआ। हिंसाचार का मतलब क्या है कि पुलिस को मारे जाना, सिविलियंस को मारे जाना, या इस प्रकार से, या वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट होना या आईडी ब्लास्ट होना, इसमें कमी जरूर आई है। लेकिन माओवादियों की जो मिलिट्री ताकत है वो जंगलों में इंटैक्ट है। सरकार ने नियोजन अच्छा किया है लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो करते हैं पुलिस है अर्धसैनिक दल है वो जिस तरीके से करना चाहिए वो उस तरीके से वो नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छी बात क्या हुई है कि पहले माओवादियों का रेड कॉरिडोर ये नेपाल के पशुपति से लेकर जो कर्नाटका में जो तिरुपति है वहां तक पहुंचा था, लेकिन अभी ये कम हो गया है और वो अभी कुछ स्टेट्स के अंदर और वो भी जंगलों के अंदर सीमित है। ऑपरेशन ग्रीन हंट जो शुरू हुआ था 2009 के अंदर, इसके अंदर पता होना चाहिए कि माओवादियों को आर्म्स कहाँ से मिल रहे हैं, एम्युनिशन कहाँ से मिल रहा है, उनको पैसा कहाँ से मिल रहा है, उसे कैसे रोको जाए, उनके ट्रेनिंग कैंप कहाँ है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप कहाँ है, जंगल में वहां पे जाने के लिए रास्ते कौन से है, आपका एक्शनेबल इंटेलिजेंस के लिए मदद कहाँ से मिल सकती है, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। लेकिन माओवादी देश का कितना नुकसान कर रहा है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी माओवादियों के कारण हर साल बर्बाद हो रही है। एक तो है डायरेक्ट नुकसान कि जहां पे वो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं जिससे नुकसान हो जाता है, वो ट्रेन का हो या गाड़ियों का हो या पुलिसों का हो या और किसी का हो, और दूसरा है इनडायरेक्ट नुकसान यानी कि इस इलाके में खंडनी राज्य या एक्सटॉर्शन चलता है जिसमें वो भी हजारों करोड़ में है। वहां रहने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट, वहां रहने वाले दुकानदार, वहां रहने वाले काम करने वाले लोग, ये सब माओवादियों को खंडनी देते हैं जिससे देश की आर्थिक प्रगति रुकती है। इतना ही नहीं तो वहां पे जो डेवलपमेंटल काम जो करना चाहते हैं सरकार उसे ये करने नहीं देते हैं। रास्ता बनाना हो, स्कूल बनाने हो, कोई मेडिकल एमआई रूम बनानी हो डेवलप, या वहां पे पावर लाइन लानी हो, वहां पे कम्युनिकेशन के लिए टावर्स चलाने हो, ये करने नहीं देते। आज सरकार वहां पे हजारों करोड़ का पैसा उस इलाके में खर्चा कर रहा है, लेकिन माओवादी इसलिए कि ये कार्रवाई को रोकते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर वहां पे काम कर रहा है तो उसके डोजर को उड़ाया जाता है, उसके वर्कर्स को वहां पे भगाया जाता है, उसके वर्कर्स को किडनैप किया जाता है ताकि वो डर जाए,
और कोई वहां पे काम ना करे तो ये रुकना चाहिए। जब तक माओवादियों को जो उनकी मेन ताकत जंगलों में है, जब तक ये खत्म ना हो तब तक ये माओवाद खत्म नहीं होगा। पुलिस है, अर्धसैनिक दल है, उनका इंटेलिजेंस कलेक्शन करने के लिए जो वहां के नागरिक है उनके साथ संवाद होना चाहिए। काफी सारे ऑफिसर्स है जो इस इलाके में पोस्टिंग ही नहीं जाना चाहते, वो केवल शहरों में रहना चाहते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, जो एमपीज है, एमएलएज है, जो इस इलाके से आते हैं वहां पे उन्होंने रहना चाहिए, जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने इस इलाके में रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारे राज्य सरकार कुछ करने के लिए ही तैयार नहीं है। माओवादियों के पास जो एक्सप्लोजिव है वो काफी है। ये अगर आप गाड़ी देखेंगे तो ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसे कैस्पर बुला जाता है, और 10-15 किलोग्राम का अगर एक्सप्लोजिव है तो इसे वो आराम से सहन लेती है। लेकिन ये गाड़ी उड़ाई गई और इसमें जो सीआरपीएफ के जो जवान थे वो मारे गए, क्योंकि इसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया वो तकरीबन 30-35 किलोग्राम का था। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कुछ साल पहले पुणा में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, अगर आपको याद है कि जंगली महाराज रोड के ऊपर 4-5 जगह पे स्पोर्ट हुए थे, तो वहां पे बस 1 या 2 kg का एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ था। लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुए थे इस गाड़ी को उड़ाने के लिए, वो 40-50 kg से ज्यादा थे। तो इस प्रकार का अगर कच्चा रोड है तो इस रोड की रक्षा कैसे करेंगे, ये एक बहुत है। क्योंकि जो कच्चा रोड है तो कच्चे रोड की रोड ओपनिंग करना ये आसान नहीं है, तो ये एक बहुत ही काम है। गवर्नमेंट के जो नौकरशाही है इस इलाके में आते नहीं है, और कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है वो उल्टा काम करने की कोशिश करते हैं कि ये वनों की रक्षा कर रहे हैं, ये अपने नेचुरल रिसोर्सेस की रक्षा कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। कोई भी सरकार, कोई भी ये है, कभी भी वनों को बर्बाद नहीं करेगा। कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी होगी तो उसे सोच समझ के किया जाएगा, कोई भी पर्यावरण को बर्बाद करना नहीं चाहेगा। और जब तक ह्यूमन राइट्स की बात है, आपने सुना होगा ये जो जितने भी अर्बन नक्सल जिनके नाम आपने सुने होंगे, क्या किसी ने ये जो 22 जवान मारे गए सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ के, इनके मृत्यु के ऊपर किसी ने शोक दिखाया है? बिल्कुल नहीं। बाकी के टाइम पे उल्टी सुल्टी बात करने के लिए ये करते रहे। तो ये जो शहरी नक्सलवादी है या शहरी दहशतवादी है, इनके ऊपर भी काबू करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए कितना देश का ये नुकसान कर रहा है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने उन्होंने मारा हुआ है, फिर भी ये पॉलिटिकल पार्टी समझने के लिए तैयार नहीं है। ये है टीडीपी के, तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू, जिनकी गाड़ी उड़ाई थी लेकिन वो बातचीत नहीं करेंगे। इसके सिवाय कांग्रेस की पूरी लीडरशिप मध्य प्रदेश के अंदर उड़ाई थी माओवादियों ने, कांग्रेस बातचीत नहीं करेंगी। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट वगैरह है, जब केरला में अभी माओवाद फैल रहा है वहां पे वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार है या झारखंड में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तो इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। तो कोई भी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी है इसके बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो ये जो इनके सपोर्टर्स है, इनकी जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्हें रिक्रूटमेंट के लिए मदद करती है, ये जो उनकी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन नाम बदली करके शहरों में काम करती है, वो क्या काम करती है? वो उनको उनको पैसे की मदद करती है, वो उनको इंटेलेक्चुअल सपोर्ट करती है, वो उनको मेडिकल की मदद करती है, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो काम है वो करने की कोशिश वो करते हैं। तो ये जो चीजें है इसको कैसे रोका जाए? तो ये जो लड़ाई जो चल रही है, इस लड़ाई के अंदर हर एक अलग अलग लेवल के ऊपर आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये चीज जो है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये अर्बन नक्सल्स जो है इसे रोकना, उनके जो संस्थाएं है इसे काम से रोकना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो
ये अगर नहीं हो रहा है तो ये करने की जरूरत है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये केवल जंगलों में जाके लड़ाई करना ये काफी नहीं होगा। आपको जो लड़ाई है वो लड़ाई जो है वो आपको सब स्तर के ऊपर करनी पड़ेगी, ये आपको इसमें समझ में आना चाहिए। मैं एक बार आपको ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप मुझे ये लग रहा है कि कुछ इंटरनेट में गड़बड़ होने के कारण शायद मेरी बातचीत आपके पास ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है, तो अगर कोई ये इसमें डाले कि क्या मेरी बातचीत आपके पास सही पहुंच रही है कि नहीं है, क्योंकि बीच में अचानक जो नेट है ये बंद पड़ गया था, तो मुझे बताओ कि ओके मेरे ख्याल से ये मेरी जो बातचीत है शायद आपके पास पहुंच रही है। मैं आगे जाता हूं, तो ये जो ह्यूमन राइट्स वाले जो लोग हैं इनके ये जो एनजीओज है जो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बातचीत करते हैं लेकिन माओवादियों के हिंसाचार के ऊपर बातचीत नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आगे जाता हूं, माओवादियों के पास शस्त्रों की कोई कमी नहीं है, AK-47 राइफल है, लाइट मशीन गन है, रॉकेट लॉन्चर है, ये सभी उनके पास है, और उनके पास एक्सप्लोजिव्स की भी कोई कमी नहीं है। और आपको पता है कि जैसे मैंने पहले बोला था ये जो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स है या LTTE के है इनकी मदद से इन्होंने एक्सप्लोजिव्स के ऊपर काफी सारा काम ये किया हुआ है। तो एक्सप्लोजिव्स को कंट्रोल कैसे करना है इसके ऊपर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात है इनके पास अपने खुद के कैंप की रक्षा करने के लिए स्टील गर्डर्स हो ये सब की इसमें कोई कमी नहीं है। तो ये जो अर्बन नक्सल्स है जो शहरों में गड़बड़ करना चाहते हैं उनके लिए जो विदेश से पैसा आता है वो रोकना चाहिए। राजकीय पार्टीज को ये समझ में आना चाहिए कि उनको सपोर्ट मत करो। कुछ विद्यार्थी जो इस प्रकार से हिंसाचार के पीछे पड़ते हैं उनको समझ में आना चाहिए कि आपका काम है विद्यार्थियों का केवल पढ़ना और पढ़ने के बाद आपको रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई कुछ जीतना, यानी कि आपको अपनी फैमिली की देखभाल करना पहले आना चाहिए। अपनी इकोनॉमी में अभी प्रोग्रेस काफी कम है, लॉकडाउन चल रहा है तो इसे नौकरियों में काफी कमी आ गई है, तो इसीलिए पहले रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई में हिस्सा लो, इससे पहले जीतो, बिल्कुल किसी भी प्रकार के हिंसाचार के अंदर शामिल नहीं हो। ये एक्चुअली ये मेरी हर एक स्लाइड में बातचीत करने में समय लगेगा, लेकिन मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा कि ये जो माओवादियों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, पोलिट ब्यूरो है 14 लोगों का, 17 लोगों की सेंट्रल कमिटी है, ये देखिए इनकी जो लीडरशिप है माओवादियों की इसे पहले खत्म करना चाहिए। ये जो पोलिट ब्यूरो मेंबर्स है ये सबसे ऊपर है, उसके बाद उसके नीचे 17 सेंट्रल कमिटी मेंबर्स है, फिर इनके 4 रीजनल ब्यूरोज है। 4 रीजनल ब्यूरोज में अगर हम महाराष्ट्र की तरफ आ जाएंगे तो अगर आप देखेंगे कि जो एरिया है साउथ वेस्ट का इस एरिया में महाराष्ट्र आ जाता है, तो ये जो उनके 17 स्टेट ब्यूरोज है, तो किसको हमने न्यूट्रलाइज करना चाहिए, ये जो सब स्टेट ब्यूरोज है, पोलिट ब्यूरो वाले हैं, सेंट्रल कमिटी में है, रीजनल ब्यूरोज में है, इनके ऊपर सरकार ने अवार्ड लगाया हुआ है। अगर ये लीडरशिप को न्यूट्रलाइज करेंगे तो कम से कम वायलेंस का इस्तेमाल करते हुए इसे हम खत्म कर सकते हैं। इनकी अलग अलग कमीशन से अलग अलग कमिटीज है, तो जो माओवादियों की जो लीडरशिप है इसे खत्म करना ये इम्पोर्टेंट है, ये बोलना चाहूंगा। और अभी का जब सवाल है, आज की हम बातचीत करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो है इसका एरिया काफी कम हो गया है, और वो दंडकारण्य के जो जंगल सेंट्रल इंडिया में है इसके अंदर वो सीमित हुए हैं। तो अगर इनका इनको खत्म करना है तो आपने ये जो एरिया है जिसे बोलते हैं अबूझमाड़ का जंगल, अबूझमाड़ का जंगल यहाँ पे उनके कैंप्स है, दूसरा ये जो सरंदा का जंगल है यहाँ पे, तो
ये इस इलाके के अंदर अगर आप आक्रामक कार्रवाई करेंगे एक साथ, तो अर्थात हम उनको न्यूट्रलाइज जल्दी कर पाएंगे। तो इसके अंदर एक साथ कार्रवाई होनी चाहिए। जो रिटायर्ड फौजी लोग हैं, इनको पुलिस में क्यों नहीं भर्ती करने देते? 15 साल के सर्विस के बाद एक लश्करी जवान रिटायर हो जाता है जब उसकी उम्र केवल 35 ईयर्स होती है, और पुलिस के अंदर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर 58 साल तक नौकरी की जाती है। तो अगर रिटायर्ड जो इन्फेंट्री के जवान है इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ेगी। और जो दंडकारण्य जंगल है, इसका जो एयर फोटो है वो मैं आपको गूगल की मदद से दिखा रहा हूँ। ये जो भाग है दंतेवाड़ा का, इस इलाके यहाँ पे पहली मैसाकर हुई थी, और ये जो बस्तर का जो भाग है यहाँ पे अभी की लड़ाई हो गई थी। तो अगर आप इस ग्रीन कलर से देखेंगे, जितना कलर ज्यादा ग्रीन है वहां पे उतने फॉरेस्ट ज्यादा है। तो इस फॉरेस्ट के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जहां जहां ओपन जगह है वहां पे हमने इस्तेमाल करना चाहिए। तो माओवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए सामाजिक स्तर पे कार्रवाई होनी चाहिए, आर्थिक स्तर पे होना चाहिए, राजकीय स्तर पे होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक स्तर पे होना चाहिए, सुरक्षा के स्तर पे होना चाहिए। जब हम अलग अलग चीजों के ऊपर एक साथ कार्रवाई करेंगे तो ही हम माओवादियों को कर सकते हैं। तो ये मैं केवल समय के कमी के कारण मैं इन सबको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं केवल तुरंत आ जाता हूँ जो लश्करी चीज है उसके ऊपर। यही स्लाइड मैंने पहले दिखाई थी, एक साथ आपको अलग अलग स्तर के ऊपर कार्रवाई करना है, लेकिन मैं केवल मिलिट्री स्तर के ऊपर आना चाहूंगा। पॉलिटिकल स्तर के ऊपर क्या करना चाहिए, गवर्नेंस को इम्प्रूव करो, ट्राइबल्स की देखभाल करो, पीस टॉक्स करो वगैरह वगैरह। इसके सिवाय जो है सोशियो इकोनॉमिक, यानी कि उस पर क्या करना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, इंडस्ट्री होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, लैंड राइट्स ठीक होना चाहिए, फॉरेस्ट पॉलिसी ठीक होना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी ठीक होना चाहिए। मैं केवल आपको फास्ट फॉरवर्ड जाके बताना चाहता हूँ कि और क्या साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक, उनको बोलना चाहिए कि माओस्ट आइडियोलॉजी या आउटडेटेड है, चाइना के अंदर भी ये काम नहीं कर रहा है। आज डेमोक्रेसी जो हमारी है ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। आज भी इसके इसी समय 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन चल रहा है। तो अगर हम हमारी देश की डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो डेमोक्रेटिकली हम कर सकते हैं। रोड्स बनने चाहिए, रेलवे बनने चाहिए, इंटेलिजेंस ठीक होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन पुलिस का होना चाहिए। मैं केवल कुछ पॉइंट्स ही आपको बताना चाहता हूँ। और जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, आपको दंडकारण्य के अंदर जाना ही पड़ेगा। जितने भी पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इनको एक ही लीडरशिप के नीचे आना पड़ेगा। आपको सरंदा फॉरेस्ट पे जाना पड़ेगा, आपको सर्जिकल स्ट्राइक करने पड़ेंगे, एक साथ इकट्ठा होके झारखंड से अंदर घुसना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश से कार्रवाई करनी पड़ेगी, महाराष्ट्र से कार्रवाई करनी पड़ेगी, छत्तीसगढ़ में कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो 2.5 लाख से ज्यादा जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, CAPF है, यानी कि यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 30-40 बटालियन है, CRPF की 50-60 है, CISF की कुछ है, इसके सिवाय सीमा सुरक्षा बल की है, आर्म पुलिस है, इन सबको इकट्ठा एक साथ चारों दिशा के ऊपर, चारों दिशा से आके माओवादियों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी खुद की रक्षा करते रहोगे एक साथ, अभी ये जो पिछला वाला जो प्रसंग जो हुआ था, इसमें मैं आपको थोड़ी सी खबर देना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये जो खबर न्यूज़पेपर में आई है उसके मुताबिक अप्रोक्सीमेटली 4 बटालियंस या 2000 तक हमारे जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जो सोल्जर्स है, जिसमें एक CRPF की बटालियन थी, एक इंडिया रिजर्व थी, एक स्पेशल टास्क फोर्स था, कुछ छत्तीसगढ़ पुलिस के लोग थे, तो ये उनको खबर मिली थी कि हिजमा नाम का जो उनका कमांडर है वो किसी इलाके में छुपा हुआ है, तो उसे पकड़ने के लिए उन्होंने ये आक्रामक कार्रवाई की थी। उसके लिए तो इनको तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। लेकिन जब ये जा रहे थे तो वहां पे जो पहाड़ी थी, पहाड़ी में के पास से माओवादियों ने उनके ऊपर फायर किया। अभी हमेशा जो फायरिंग होता है वो पहाड़ी से ही होता है। अगर आप
एम्बुश किस प्रकार से लगता है, ये अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसी प्रकार से लगता है। और जो इनकी उसके बाद जो इनके ऊपर फायरिंग हुआ, तो जो एम्बुश को तोड़ने की कार्रवाई है इसमें उनको सक्सेस नहीं मिली। उनको जो रीएनफोर्समेंट जो बाहर से आनी है वो 24 घंटे के बाद आई हुई है। तो इस प्रकार से ये रीएनफोर्समेंट या उनको जो मदद करने वाली फौज है वो इतना देर क्यों आती है, क्योंकि वो आना नहीं चाहती है। आज अगर आप देखेंगे ये जो 22 जवान मारे गए हैं इसमें एक भी ऑफिसर नहीं है, केवल जवान कॉन्स्टेबल्स वगैरह के लेवल के लोग है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज का ये था कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो ऑफिसर्स होते हैं अगर वो अपने जवानों के साथ सामने उनके साथ रह के लड़ाई करते हैं तो लड़ाई जीती जाती है। अगर आप इंडियन आर्मी का अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाइए या जो यहाँ पे जो दिल्ली में लगा हुआ है वॉर मेमोरियल है, इस वॉर मेमोरियल के अंदर हर अभी तक जिस जवानों ने अपने प्राण का बलिदान दिया है उनके नाम वहां पे होते हैं। तो आज वहां पे जाइए और देखिए 2020 के अंदर और 2021 के अंदर आर्मी के कितने ऑफिसर्स, कितने जेसीओज ने अपने प्राण का बलिदान दिया है, उनके नाम आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो बात यह है कि जब तक आप आक्रामक ऑफिसर्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की कार्रवाई नहीं करते तब तक ये लड़ाई जीतना ये आसान नहीं है। तो एक साथ ही आपने इनको जो सपोर्ट मिल रहा है बाहर के देशों से समुद्र की तरफ से वो रोकना चाहिए, मिलिट्री ऑपरेशन बहुत जल्दी से तैयार करना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी चाहिए, जो लोगों का जो एलिनेशन हुआ है वो भी करना चाहिए। इसके सिवाय जो पुलिस स्टेशन है इनको और मजबूत करना चाहिए, ताकि जो मैं बात कर रहा हूँ जो फ्रंट में है, ताकि अगर उस पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला होता है तो वो अपने खुद का देख ले। इसके सिवाय जो उनका इंटेलिजेंस है, आज इनकी जो इंटेलिजेंस बहुत ही पुअर है। टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस जो आप लेंगे इसकी मदद से यूएवीज की मदद से या ड्रोन्स की मदद से वो बिल्कुल ही कम है। आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत है। और आमतौर पर यह माना जाता है इस इलाके के अंदर या कहीं पर भी जहां पे दहशतवाद है वहां पे 80% जो जनता होती है वो न्यूट्रल होती है, 10% जो जनता होती है वो फौज के साथ होती है, और 10% समझ लीजिए जो फौज के खिलाफ होती है। तो 80% जो न्यूट्रल होती है वो आपके लिए काम कर सकती है, प्रोवाइडेड उनको ये लगे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो जीत रहे हैं। अगर नक्सलवादी जीत रहे हैं तो वो उनके साथ रहेंगे, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस जीतना शुरू करेंगे तो उनके साथ आ जाएंगे। तो इसीलिए ये जो न्यूट्रल लोग हैं इनको अपने साथ लाना ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके सिवाय पुलिस का मोरल और वेलफेयर ठीक होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं जो ग्राउंड लेवल के ऊपर पुलिस और सीआरपीएफ के लोग है, मैं जो ऊपर वाले दिल्ली में बैठे हैं वो जो रायपुर में बैठे हैं इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जो जमीन पे कांस्टेबल है उसका वेपन अच्छा होना चाहिए, उसको बुलेट प्रूफ जैकेट होना चाहिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होना चाहिए, उसकी देखभाल ठीक होनी चाहिए, 2 साल के बाद उसका पोस्टिंग यहाँ से किसी अच्छी जगह पे करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक बार उसको वहां पे लाया तो कायम का वो वहीं पर ही रहेगा। जो आपके जो नक्सलवादी सरेंडर करना चाहते हैं उनको सरेंडर करने के लिए मदद करनी चाहिए, खास तो जो औरतें हैं नक्सलवाद में वो सरेंडर करना चाहती है। पुलिस का मॉडर्नाइजेशन नक्सलवादियों के आगे होना चाहिए, कम्युनिटी पुलिसिंग यानी कि जो वहां के आदिवासी है उनका रक्षण करने के लिए विलेज डेवलपमेंट काउंसिल होना चाहिए, रिक्रूटमेंट में अच्छे लोगों को लेना चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन हर एक में अच्छा होना चाहिए। जो माओवादी पकड़े जाते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ये जल्दी होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं और आगे जाता हूँ, ये सब ये मेरी लास्ट स्लाइड है क्योंकि अभी मेरा समय हो गया है, मेरे पास दिखाने के लिए और कुछ है तो इसकी जो मिलिट्री एस्पेक्ट में हम शायद बाद में और पार्ट टू में कभी बात करेंगे, अगर आप चाहेंगे, अगर आप लिखेंगे कि इसके आगे भी आप मिलिट्री एस्पेक्ट के ऊपर और जा देना चाहेंगे। लेकिन मैं ये एक समरी दिखा के इसको आज की जो बातचीत है खत्म करना चाहूंगा कि एक तो
सर्जिकल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कैंप्स के ऊपर तो होने ही चाहिए। कैंप्स कहाँ पर है पता है, ह्यूमन राइट वायलेशन यानी कि आदिवासियों के साथ बर्ताव सिक्योरिटी फोर्सेस का अच्छा होना चाहिए। जो जितने सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने एक दूसरे के साथ मदद बहुत अच्छी करनी चाहिए। माओवादियों को जो शस्त्र है वो कम करना चाहिए। ऑपरेशंस के अंदर बिल्कुल जो वहां के लोग हैं उनको तंग नहीं करना चाहिए कि आपने उनको खाना क्यों दिया, आपने उनको ये क्यों किया, क्योंकि जहां पे माओवादियों का पल्ला भारी है तो वो वहां पे लोग उनको पानी देंगे, दूध देंगे, राशन की मदद करेंगे, तो ये तो होगा ही। आप उनसे बातचीत या पूछताछ जरूर कर सकते हैं लेकिन उनको उनको बिल्कुल तंग मत करो। और जब तक लड़ाई जीतनी है तो ये सभी ने सोचना चाहिए कि अभी सिक्योरिटी फोर्सेस आके इनको इनके टांग तोड़ने वाले हैं। तो जो हमारे नेशनल हाईवेज है उसकी रक्षा होनी चाहिए, जो हमारा ट्रांसपोर्ट है उसकी रक्षा होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन है, अभी चाइना हर एक के मोबाइल में जाके घुस के वहां की खबर देता है। तो हम खुद को एक टेक्नोलॉजी की एक महाशक्ति समझते हैं, तो ये जो नक्सलवादियों के पास जो मोबाइल है क्या उनके अंदर जाके हम देख भी सकते हैं कि क्या हो रहा है, जो उनके हर एक जो उनका आदमी है हर एक आदमी की बातचीत, खास तो लीडरशिप जो है ये बातचीत को हम उसमें पेनिट्रेट क्यों नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी पूरी जो तंत्र ज्ञान है, माओवादियों के हर एक जो सपोर्टर्स है उनके जो लीडरशिप है इसके ऊपर ध्यान अगर हम देंगे तो एग्जैक्टली वो क्या करने वाले हैं इसे हम पता कर सकते हैं, जिसे उनको मारना ये आसान हो सकता है। तो मेरे ख्याल से मैं अभी यहाँ पे रुकता हूँ क्योंकि समय मेरा हो गया है, तो मैं अभी स्टॉप शेयर करता हूँ और अगर कुछ सवाल है तो एक दो सवाल हम ले सकते हैं, क्योंकि बात ऐसे है कि समय के कारण हम ज्यादा सवाल नहीं ले सकते। तो मैं यहाँ पे मुझे कुछ सवाल जरूर नजर आ रहे हैं, मैं यहाँ से लेता हूँ। साक्षी अग्रवाल जी बोल रहे हैं जय हिंद, राजेंद्र वराड़कर जी वंदे मातरम बोल रहे हैं, जगजीत सिंह चौहान जी वंदे मातरम बोल रहे हैं, आप सबको वंदे मातरम नमस्कार, खुदा हाफिज। संजय कुमार जी वंदे मातरम बोल रहे हैं, आप सभी ने आप सभी हमेशा बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ से ये काम इसको देखते हैं, इसलिए धन्यवाद। लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ हम सब इंफॉर्मेशन वॉरियर है। आज भी कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई रोकी जानी चाहिए, तो इसीलिए आप इस प्रकार के जो वीडियोस होते हैं इसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और ये अच्छी खबर जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ये मैं आपको बोलना चाहूंगा। और अभी मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगले वेडनेसडे को जब हम मिलेंगे तो हम इसी का जो मिलिट्री एस्पेक्ट है इसका भाग दो बात करेंगे, और दूसरा जो विषय है कि जो जो अमेरिका ने हमारे आर्थिक जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है जिसके अंदर वो आए थे, वो क्यों आए थे, ये क्यों का इस प्रकार से हो रहा है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। और देश ने इकट्ठा होके चीन के खिलाफ हम एग्जैक्टली क्या कार्रवाई कर सकते हैं हम इसके बारे में बातचीत करेंगे, ताकि आम जनता चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है इसमें शामिल हो सकती है। आज चाइना की चीज को हर एक चीज को बॉयकॉट करो, बी इंडियन बाय इंडियन, चाइना का कोई भी प्रोपोगंडा को आप विक्टिम मत बनो। इतना बोल के मैं आज मेरी कार्रवाई यहाँ पे रुकता हूँ और हम फिर मिलेंगे आगे आने वाले इसके अंदर, तब तक मैं आपकी विदा लेता हूँ और आप सबको जय हिंद बोलता हूँ। जय हिंद, फिर एक बार मिलेंगे अगले वेडनेसडे को।